Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 live on A-Sports. मीठे में मालपुरा हैं क्या मालपुरा का नहीं पता आपको सर आपको जो भी इजी लगे आप दे दें ना भी दे दो कोई मसला नहीं और मुझे तो काफी समझदार लगी थी फिया जी बेवकूफ बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता प्रिया को कैसे जानते हो कोई गलत बात नहीं की मैंने गलत तरीके से बात की है तुझे ये मंजूर नहीं है कि तू माफी मांगे लेकिन तुझे ये मंजूर है कि तेरी अना की खातिर तेरी बहन का रिश्ता खराब हो जाए जल्दी चलो वो कैटरिंग वाले आ गए हैं हाँ तो इस पे इतनी घबराने वाली क्या बात है घबराने की तो बहुत है साकिब भाई के हाथ लग गए हैं साकिब भाई हाँ चलो सर आप टेंशन फ्री रहें आपको किसी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं होगी वो क्या हुआ कुछ नहीं ये बिल ठीक करके भेजो मुझे तुम यही रुको नजर रखो इन लोगों पे ओके साकिब भाई क्या हो गया कब्जी हो रही है क्या बकवास मत करना कर साकिब भाई का चमचा ये चमचा किसको बोल दिया रख ले तुझे और क्या तुम दोनों का मकसूद तुम अंदर जाकर सबको बताकर आ जाओ कि इवेंट वाले आए हैं जगत साकिब भाई ने बोला है कि इन दोनों पर नजर रखनी है ठीक है तो नजर रख लेना बाद में लेकिन पहले जाओ जाकर बताकर आ जाओ नहीं उल्टा हाथ का एक लगाऊं तो समझ आ जाएगी ना तुम्हें जाओ अच्छा और तुम दोनों याद रखना तुम दोनों पर मेरी नजर है वो भी चील की तरह समझे ना हाय उम्मीद है साकिब भाई ने कोई उल्टी सीधी बात नहीं की होगी आप लोगों से अरे नहीं नहीं नॉट एट ऑल डिस्काउंट का कह रहे थे हमने कहा उठेगा कोई मसला ही नहीं है ये तो फ्री में करने के लिए रेडी था नहीं नहीं फ्री में क्यों नहीं नहीं एक्सीडेंट की कोई बात तो नहीं थी कुछ भी नहीं नहीं हो तो इतनी गर्मी में लाल बड़गीली शर्ट क्यों पहन रखी है ऐसा लग रहा है 2 साल की आग में जल रहा है बिल्लू इट्स वेरी नाइस मैं आपको जगह दिखा देती हूँ श्योर है कहाँ बहुत मस्त आती है ओली में वेरी नाइस आ रही है चलिए अच्छी जी अरे आपने घर में जिम बनाया हुआ है नाइस यार आ जा तू यहीं ट्रेन करा देता ब्रो यार वो मूड यू नो मूड तो बनाना पड़ता है अभी शादी हो रही है घर में क्या उर्दू वाला ऐप लेके घूम रहे हो इंग्लिश वाले ऐप बनाते हो व्हाट व्हाट यार अंडरस्टैंड आप कजन हो भाई है मेरा तो बहन है तो फिर और मॉरल सपोर्ट चाहिए होगी वन मोर टाइम कौन बोलेगा आज बात भी हाँ ठीक है बहुत खूबसूरत घर है आपका थैंक यू ये ना मेरी दुनिया में सबसे फेवरेट जगह है मैं कहीं भी चली जाऊं एक हफ्ते बाद मुझे घर की बहुत याद आती है दुनिया फीकी पड़ जाती है इसकी अपनाइयत के आगे रियली बहुत लकी हो आप क्यों आपको अपना घर अच्छा नहीं लगता ना अच्छा लगता है ना बुरा बस वीरान सा लगता है छोटी फैमिली है अरे नहीं फैमिली तो बहुत बड़ी है लेकिन लेकिन भीड़ में भी तन्हाई है
है ना? आई नो वॉट यू मीन, आई नो। मेरी भी फैमिली ना बहुत बड़ी है, लेकिन सब लोग इतने क्लोज हैं और एक दूसरे की पर्सनल स्पेस में इतना गुस्से में होते हैं ना कि कभी कभी दम घुटने लगता है। फिर मैं घर छोड़ के ना यहाँ पर छत पे आके छुप जाती। थैंक्स। और क्या करती हैं आप? गाने सुनती हूँ, खुद से ढेर सारी बातें करती हूँ, और यहाँ ना सनसेट का व्यू बहुत अच्छा आता है, वो एंजॉय करती हूँ। डीप ब्रीदिंग, काम डाउन होती हूँ और फिर से फैमिली के पास चली जाती हूँ। और ये सब करने से तुम रिलैक्स हो जाती हो? हाँ, मैं तो कहती हूँ तुम भी एक बार ट्राई करके देखो, अगर ना काम आया ना पैसे वापस। ऐसे तो वापस करने पड़ेंगे, मुझे आपके भाई साहब हैं, उन्हें मेरी कोटेशन पसंद नहीं आई। आई एम सो सॉरी, उनकी बातों को माइंड मत करना। वैसे काफी स्ट्रिक्ट लगते हैं भाई। हैं। तुम डर रहे हो? नहीं, मैं क्यों डरूंगा? I'm fine. अच्छा, सारी बातें एक जगह, ये तुम्हारा कैनवस है, तुम्हें इसे सजाना है। और याद रखना ये बात, ज़ारा सिर्फ मेरी कजन नहीं है बल्कि मेरी बहन, बल्कि मेरी फेवरेट इंसान है इस दुनिया में। उसके लिए शाम यादगार होनी चाहिए, बल्कि स्पेशल होनी चाहिए। ऐसा ही होगा, आई प्रॉमिस। तो फिर मसल पुल हो गया, अभी स्ट्रेच करता हूँ, सही हो जाएगा। मुझे लगा कर लेगा। चलो तुम उठो यहाँ से, दोबारा नहीं करना। कौन सा सिक्स पैक्स का फैशन आया आजकल? तुम जैसे हो ना बिल्कुल ठीक हो, नेक्स्ट टाइम मत पढ़ना इन फजूल चक्रों में। मैं पेन किलर दे के आया। जल्दी जा। टेंशन नॉट, वो मैनेज कर लेंगे। ऐसे केसेस में छोटी मोटी इंजरीज हैपन। आप आए? यहां फेरी लाइट्स लगाएंगे, ऐसे ऊपर से। हम डिसाइड नहीं कर पा रही थी ना कि कैसा फंक्शन करवाना है, ऐसे लगेगा आसमान में सितारे निकल आए हैं। मैंने सोचा नहीं था कि ये मुमकिन होगा, बट नाइस, तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी। हमेशा करता रहूंगा, मेरा मतलब है कि तुम्हारी हर रिक्वेस्ट पूरी करता रहूंगा, आखिर काम है मेरा। बड़ी बातें बना लेते हो। सबके साथ नहीं, सब यही कहते हैं। सब? और कितनों को अपनी बाइक से मारे? ओए, सिर्फ एक। इसका मतलब है मैं स्पेशल हूं। काम की बात कर ले, ये गार्डन देख लो, बीच में से ना अनइवन है, इसमें गड्ढे हैं कहीं कहीं, तो देखना कहीं ऐसा ना हो कि कोई हादसा हो।
लाल शर्ट वाले, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन हो तुम? शगु पप्पू, आपको बताया था ना केटरिंग वालों ने आना था, तो वो तो तंबू लगाओ ना। ये कौन सा छिछोरा सीन लगाया वे? मेरा पाँव अड़ गया था खड्डे में, तो संभाला इन्होंने मुझे। तुम कौन सा आठवीं मंजिल से गिर रही थी, संभाला है? नहीं आंटी, वो दरअसल बात, पीछे पीछे रहे मुझसे, मुझे वन आर्म डिस्टेंस में चाहिए। दिन दिहाड़े लाइटें मार रहे, तौबा तौबा, कमीज इसकी देखो जरा। पोपो प्लीज। और कोई नहीं मिला था तुम्हें केटरिंग वाला? खबरदार, जो आज के बाद फिर कभी एक्सरसाइज करवाई तो तुम्हारा नजर नहीं आना। ये क्या हो रहा है? चल बन, चल, हो गया काम अपना, हो गया, चल चल चल। ये आइटम भी इसके साथ है? मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। हाँ, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। सॉरी यार, मुझे क्या पता था वार्म अप पे उसकी हालत टाइट हो जाएगी। उसकी बहन बहुत डांटती है ऊपर से। यार मेरी क्या गलती, तू मेरे पे खुद तपा हुआ भाई। और कोई नहीं मिला तुम्हें? ये अभी मेमन का बाबा, उसको पीछे फोन करती हूँ ना, ऐसा जबरदस्त इंतजाम करेंगे, इनसे जान छुड़वा लो। शगो पोपो प्लीज, मुझे हैंडल कर लेने देना। वो हो गया तुमसे हैंडल। हिरण, हिरण जी। अब्बा, अरे बम बात करनी तुमसे जरा। शाहजहान के अब्बा से बात हुई थी मेरी। अच्छा, फरीद? मैं मानता हूँ उस दिन फरहाद का बात करने का अंदाज गलत था, लेकिन बात गलत नहीं थी। ऐसी बात को लेके मैं काफी अरसे से परेशान था, तो मैंने भी दो टोक बात करी थी उनसे। उन्होंने कहा कि आप कोई लेन देन वाली बात नहीं होगी, इसी महीने तारीख पक्की है। सच कह रहे ना? तेरा मेरा मजाक है क्या? नहीं शहर है तो नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो चल जल्दी से मेरे लिए चाय ले, फटाफट। बेहतरीन चाय बनाती हूँ आपके लिए अभी। अब वो रिमोट कहाँ है इसको? वो रखा हुआ सोफे पे है। कौन से सोफे पे? वो चल यही देख ले भाई। क्या बात है? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। किसी वीर्ड बातें कर रही हूँ, इधर देखो। अब समझ में आ रहा है कि तुम इस ढोलकी के लिए इतना एक्साइटेड क्यों हो। यार देखो, अगर ये ढोलकी सबको इतना ही खटक रही है ना, मैं कहती हूँ कैंसिल करो। ठीक है, मैं ये ढोलकी कैंसिल कर रही हूँ। तुम मेरी बात क्यों मान रही हो? मैं कौन हूँ? शादी मेरी नहीं है, शादी तुम्हारी है। तुम क्यों ढोलकी कैंसिल करोगी? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ढोलकी कैंसिल। तो सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे और उस लड़के के बीच में? मुझे इतना पता है ये सिर्फ केटरिंग का मामला नहीं है, तुम जानती हो ना पहले से उसे। तुम मुझसे इतने सारे सवाल क्यों कर रही हो? कुछ कुछ गलत नहीं किया मैंने, ऐसा लग रहा है मुझे कटेरे में खड़ा कर दिया है।
क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें कसम है किसी को कुछ नहीं बोलोगी। तुम्हारी इतनी ऊटपटांग बातें पता है मुझे, आज तक कभी किसी से कुछ बोला है जो ये बताऊंगी? बताओ। अच्छा, तुम्हें याद है तुम्हारा जोड़ा लेने के लिए मास्टर साहब के पास गए थे उस दिन? वहां ना हमारा एक्सीडेंट हो गया इसके साथ। ये बेचारा हॉस्पिटल पहुंच गया था। हाँ, पुलिस केस बनने वाला था। ओह माय गॉड, पुलिस केस। हाँ, लेकिन बंदा शरीफ है, इसने कुछ बोला नहीं। मैं गई थी माफी मांगने के लिए इसके पास, फिर खैर सब ठीक हो गया था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि इसका केटरिंग का बिजनेस है। मैंने कहा ये तो मेरा काम हो जाएगा। मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा था कि बहुत तकलीफ में था उस वक्त। लेकिन फिहा ये बात किसी को पता चल गई तो? क्यों चलेगी पता? ये लोग वारदात करके भागते हैं, ने उल्टा उसे घर बुला लिया है। ये केस ना फिर से खुल जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो बहुत अच्छा इंसान है। फिया, कहीं तुम्हारे दिमाग में उस लड़के को लेके कोई और बात तो नहीं है? नहीं, पागल हो क्या? ऐसे क्यूट तो बहुत। होश संभालो फ्रिहा, तुम ऐसा कोई ख्वाब गलती से भी मत सजाना। ये मोती महल है, यहां मोहब्बतें नहीं होती, यहां जोड़े जमीन पे बनते हैं, वो भी बरादरी के अंदर ही। बेहतर ये होगा कि तुम भी आसमान से निकल आओ। ठीक है, मैं जानती हूं खुश शक्ल बंदा है, अप्रिशिएट भी ना करूं। ठीक है, बांध दो आंखों पे पट्टी, बांध दो मेरी। तुम बस दिमाग पे पट्टी ना बांधना, समझी ना? वो इतने काम पड़े हैं ना? क्या हाल बना लिया ये अपना? शादी का घर है, 100 काम सर पे। तुम्हें मैंने कहा था ना कि घर पे उठक बैठक कर लो, कि मुंह को ताला लगाओ अपने, कि तभी अंदर जाएगा ये। जी पता नहीं क्या जोश सवार हो गया है, वर्जिश करेंगे, चढ़ गए ना पट्टे अब। हाँ तो हो जाऊंगा ना ठीक, वैसे भी एथलीट को छोटी मोटी इंजरीज तो होती रहती है। बड़ा एथलीट, उठ चल जा के सबको खाने पे बुला। मैं? हाँ तुम उठो फौरन। तब बेटी की शादी है मेरी, उसके लिए जमा किया था ये, लाखों का नहीं होगा लेकिन जिंदगी भर मोहब्बत और मेहनत से जमा किया। अगर तेरी भी बेटी है ना तो अल्लाह तुझे तेरे गुरूर की सजा इसी दुनिया में दिखाएगा। शुक्रिया, इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं। हेलो, कल मैंने ना आपको बेंच पे बैठे देखा था, आप शायद अपनी नोटबुक भूल गई थी। मेरी नोटबुक तुमने उठाई थी? नहीं, वो मैंने आपको देखा भी था, आप मुझे नजर नहीं आई ना, तो सेफ्टी के लिए फिर मैंने अपने पास रख ली थी। कहाँ है मेरी नोटबुक? कहाँ है? मेरी गाड़ी में पड़ी है, आप अभी उसको पकड़ के मैं जॉब तो नहीं कर सकता था ना। आप आ जाओ, गाड़ी में पड़ी है, मैं आपको दे देता हूँ। सब समझती हूँ मैं। हाँ जी जी जी, क्या एक अकेली लड़की क्या ट्रैक पे वर्क भी नहीं कर सकती? सब जानती हूँ मैं, बहाने से मुझे गाड़ी में बिठाना चाहते हो? आप गलत समझ रहे हो, ये क्या कह रही हैं आप? ये क्या कह रही हो? मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम ना अकेली समझ के मुझ पे लाइन मार रहे हो,
ज्यादा पी हुए ना तो शोर मचा दूंगी मैं। यस, अभी शोर तो आप मचा रही हो, मैंने तो नहीं मचा है। आप आ जाओ ना गाड़ी में। पानी है क्या? ये पानी है क्या? आदमी मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसे पर स्प्रे करके भगाया है। आप जाके देखिए उसे जल्दी। आप बेफिक्र हो, मैं देख कर लूंगा। ओके, आईना किसी लड़की को देखने से पहले 10 बार सोचेगा। जिंदगी औरतें खतरनाक, लड़के बच्चे खतरनाक, मैं इनके मर्द तो तू और खतरनाक। अबे क्या कर रहे हैं? होश में ला रहा हूँ भाई, बहुत डेंजर फैमिली है भाई, नहीं कर। अल्लाह की कसम है, जब तक मैं घर में था ना, मुझे लग रहा था मैं बाहर नहीं आ रहा। वो भाई अम्मा अब्बा ने इतना नहीं डांटा पूरी जिंदगी में जितना 5 मिनट उसकी कजन डांट गई है। यार सॉरी टू से, भाभी का बिहेवियर बिना सही नहीं लग रहा था मुझे, पहले ही डाउट था मुझे। उसका भाई मुच्छड़, अभी उसको देखा तूने? सही टेरर तो उसका है। तू मेरी बात सुन भी रहा है? हेलो मिस्टर, ओ भाई तुझे आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, तू वही करेगा ना जिसके लिए मैं तुझे रोकूंगा? हाँ तो भाई, तेरा भाई तो गया अब। क्या ये सब? थोड़ा थोड़ा करके जमा करी थी किरण के लिए, यकीन नहीं आ रहा वो दिन भी आ गया। सन्ना मेरी बच्ची की नसीब बहुत अच्छे। थोड़ा बस सोना तो मैंने भी जमा किया हुआ है, सोच रहा हूँ कल इस जेवर बनवा लूँ, उसका शादी में देने के काम आएगा, अच्छा लगेगा। अच्छा हो जाएगा। मेरे दोस्त एक सवाल का पता बताया, उसकी दुकान से उगा रहा हूँ। और कुछ भाई? कितना का भाई? ये 20 लाख का है। इतना महंगा? जी अंकल, सोने की कीमत भी तो देखें कहाँ चली गई है। ये कुछ रिजर्वर है मेरे पास, पहले इसकी कीमत लगा दो तो फिर देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ भाई। ठीक है, मैं देख लें। अरे मेरी अंदर पकड़ा यार। तू क्या कर रहे हो? अरे ये मेरी दुकान है, इसको किसने अंदर आने दिया? मैं तेरी फोटो लगी हुई है बाहर, जो पता चले कि तेरी दुकान है। अगर मुझे पता होता तुझ घुमंडी की दुकान है तो कभी ना घुसता अंदर। इस लेवल की ज्वेलरी ना हम लोग की दुकान में नहीं होती। बेहतरी इसी में है, जो बची की चीज है ना तू ठेले में लपेट और निकल यहाँ से। इतना घूमना अच्छा नहीं होता, होगा तो पैसे वाला, होगी तेरे पास दौलत, लेकिन ये ना भूल के हम भी इज्जत वाले लोग हैं। सोना तोलते तोलते कई इंसानियत तो नहीं भूल गया तू? तो बेटी की शादी है मेरी, उसके लिए जमा किया था ये, लाखों का नहीं होगा लेकिन जिंदगी भर मोहब्बत और मेहनत से जमा किया। अगर तेरी भी बेटी है ना
तो अल्लाह तुझे तेरे गुरूर की सजा इसी दुनिया में दिखाएगा। अभी चुप कर जा, ज्यादा लेक्चर देने की कोशिश मत कर। तू जिस तरह का आदमी है ना, मैं जान चुका हूँ। अभी टाइम ना वेस्ट कर, निकल बाहर। आइंदा ये दुकान में नजर नहीं आए, निकालो बाहर से। अरे मेरी ऐनक तो दो। यार सोचने क्यों ले जा रहे हैं डॉन के घर? अबे चलने तो चल, दिमाग मत चबा, चल बैठ। कार की तैयारी है? इतने तैयार होके कहाँ जा रहे हो भाई? अब्बा वो फंक्शन पे जा रहे हैं। तो मैंने देखे मिक्स कर दी थी, शमशाद छोड़ देगा? नहीं, वो कुछ और अरेंजमेंट्स भी देखनी थी ना, लाइटें वगैरह। वो तो हम नहीं करते। अब्बा वो क्लाइंट है ना, स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, तो हमने कहा हम खुद जाके देखते हैं। तो मुझसे पूछने की जहमत नहीं है। अब वो छोटा सा काम था, हमने कहा क्या आपको तकलीफ दें। अब वैसे भी मेरा पहला फंक्शन था, मैंने कहा मैं खुद जाके सब कुछ देखता हूँ। चाचा आप रिलैक्स करें ना, संभालने का लड़का बड़ा हो गया है, वैसे भी आगे जाके पकवान इसी नहीं संभालने हैं। और सब ठीक से होना चाहिए, पकवान का नाम खराब नहीं होना चाहिए। जी जी अब्बा बेफिक्र रहे हैं आप। नाम तो दिया होता तो खराब होता है। आ? नहीं कुछ नहीं। अब आप आराम करें, हम निकल रहे हैं। आप आराम करें। अल्लाह हाफिज। बड़े तेज कान है भाई। अबे ओ ढक्कन क्या है ये? अरे ठीक कर इसको, अब बता रहा कोई भंड नहीं होना चाहिए ना भाई। आ गया तेरा ढोल धमाका, तेरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा बस सुन, छुरी काटा चम्मच सब हो गया ना? छुरी तो नहीं लाया। मैं बता रहा हूँ, मैं तुझे छुरी मार दूंगा। हमारी इतना हाथ से दाल चावल नहीं खाते। अच्छा ठीक है करता हूँ यार, तू दो मिनट रुक, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। अबे दही फुल्की इधर आ, ये पकड़, इसको लगाया यहाँ पे ठीक से। बेटा काम कर लो। शमशाद हाँ, देखे टाइम पे पहुंच जाएंगी ना? हाँ पहुंच जाएंगी। और मालपुरा? अबे वो भी पहुंच जाएगा। गुड, सुन अगर खाना गर्म ना हुआ ना, मैं तेरा मालपुरा बना दूंगा। अरे भाई कहा ना पहुंच जाएगा खाना। अबे लाइट, हर काम यहाँ पे खुद करना पड़ता है, ढंग से नहीं करना काम छोड़ने आ जाते हैं बस यहाँ पे। Oh, 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 oh
भी मिले बस तुझसे मिले, दर्द मिले या चैन मिले, जो भी मिले बस तुझसे मिले। यारा वे ओ यारा वे, रब ने हमें इशारा दिया। यारा वे ओ यारा वे, उसने हमें तुम्हारा किया तेरा दीवाना, तेरा दीवाना तेरे शहर में है, तेरा शहर में है। सब परफेक्ट है, वाकई सब परफेक्ट है। तो फिर कितना अच्छा फंक्शन है ना। वाह चलो भैया आ जाओ। हां भैया नो बड़ा ना उड़े हमारी बच्चा पार्टी में ओनली शगो बोला। अरे अम्मा के अपन तो अच्छा ठीक है, अगर आपको आना ही है तो उसका टैक्स लगेगा। टैक्स दे दे चला भाई टैक्स सही डूबे मन बच्ची है भाई, अभी टैक्स देता है तेरे को मैं। खैर अरे थैंक यू थैंक यू। आए मेरा बच्चा फरहाद क्या बात है, जूजू कह रहा था बहुत जरूरी काम है, सब ठीक तो है ना? मालपुरा का तो मसला नहीं आया ना, मेरी फैमिली मुझे जान से मार दे। चुप कर जाओ। हिम्मत जुटाई है शायद दोबारा ना कह सकूं।
शुक्रिया। मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे क्या हो जाता तुम्हें देखते? मुझे लगता है इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं। शायद मैं पागल हो गया हूँ। PSL 9 action live on eSports. Don't miss out.